मीरांदस्य चन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्व्यराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। नमो नमस्ते स्पर्शभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्य साम्यातिशये नराधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यस्यानुकम्पा वशदस्सु दुर्लभं मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। अत्रैव विराजमान परम पूज्य परमादरणीय ताजी के युगल चरणारविंद में नन्मन प्रणाम करता हूं एवं पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए आप सब वैष्णववृंद। पिछले सत्संग में हमने श्री यमनाष्टक स्तोत्र के द्वितीय श्लोक के दर्शन किए थे कि कलिंद गिरि मस्तके पद नमंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लस प्रकट कंड शैलोन्नता। तो हमने दूसरे द्वितीय श्लोक के दर्शन किए। तो आज सत्संग में आज हम तृतीय श्लोक के दर्शन करते हैं। और अब आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि भुवन भुवन पावनी मदिगता मने कस्मने रियाभिवसे विताम शुकमयूरहंसादिभि तरंग भुजगं गण प्रकट मुक्तिका वालुका पदट सुन्दरीं नमत कृष्णतूर्य प्रियं अनंत। अब श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भुवन भुवन पावनी अर्थात यहाँ पे यह श्लोक में श्री यमुना जी के धर्म का और श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप का निरूपण किया गया है। और अब प्रभु चरण श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में आज्ञा करते हैं कि भुवन भुवन पावनी अर्थात श्री यमुना जी भुवन को पावन करने वाली, और सिर्फ भुवन को ही नहीं श्री यमुना जी तो तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं। अब यहाँ पे हम विचार करें तो श्री यमुना जी आप तीनों लोकों को पावन कैसे करती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भूमि पे तो श्री यमुना जी के दर्शन होते हैं पर आप स्वर्ग पाताल जो लोक हैं उन्हें कैसे पावन करती हैं। तो उसका उत्तर श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में देते हैं कि जब श्री यमुना जी सूर्य मंडल से कलिंदगिरि पर्वत के मस्तक पे पधारे तभी आप स्वर्ग को पावन करके पधारे। और श्री यमुना जी का जो जल है वह इतना उज्ज्वल है इतना उल्लसंत है कि श्री यमुना जी से वह भूमि पावन होती है और भूमि से समस्त पाताल भी पावन हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री यमुना जी तीनों लोकों को पावन करने वाली। और इसी संदर्भ में श्री हरिराय महाप्रभु जी अपनी यमुनाष्टक स्तोत्र की टिप्पणी में बड़ी विशिष्ट आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी भुवन लोक को पावन करने वाली हैं और भुवन लोक में समस्त प्रकार के जीव आ गए। कोई देवी भाव का जीव होता है और कोई मिश्र भाव का जीव।
मिश्र भाव कैसे, कि जिसमें भगवत भाव के अलावा और अन्य भी भाव हो। तो यह मिश्र भाव का, जिसमें यह मेरा परिवार, यह मेरा घर, तो ये मैं और मेरा, तो ये जो भाव होते हैं वह जीव मिश्र भाव का होता है। तो ये भगवत भाव के अन्य अलावा जो अन्य दूसरे भाव हैं उन्हें हटाकर श्री यमुनाथ हमें भगवत भाव हमें प्रदान करते हैं। इसलिए आप भुवन भुवन पावन, क्योंकि यह लोक पावन कैसे हो, यह शरीर पावन कैसे हो। नेत्र पावन कब होते हैं, कि जब हम यह नेत्र से श्री ठाकुर जी के दर्शन करें। कान पावन कैसे होते हैं, कि जब हम यह कान से श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करें, श्री ठाकुर जी के कीर्तन श्रवण करें। हाथ पावन कैसे होते हैं, कि जब हम ये हाथ से श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करें, उनकी सेवा करें। जिह्वा पावन कैसे होती है, जब हम जिह्वा से श्री ठाकुर जी का स्मरण करें, श्री कृष्ण शरणम मम। और पाव पावन कैसे होता है, कि जब हम यह पाव से ब्रज यात्रा करें। जब यह लोक, यह शरीर ठाकुर जी से जुड़े, तब वह लोक, वह शरीर, वह जगत पावन हो जाता है। और यहाँ पे यह जुड़वाने का काम श्री यमुना जी का है। तो इसलिए आप भुवन भुवन पावन ही है, भुवन को पावन करने वाले। अब आगे के चरण में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि वन भुवन पावनी मधिगताम अनेक स्वनई। अब यह शब्द का अर्थ श्री प्रभुचरण श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में करते हैं, कि अनेक स्वनई अर्थात अनेक प्रकार के स्वरों के द्वारा यहाँ पे शुक, मयूर और हंस की बात है। हमने द्वितीय श्लोक में देखा था कि श्री यमुना जी ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ी उत्साहित है। तो और श्री यमुना जी को यह लीला में जो रस प्रकट करना है, और वह रस की उत्पत्ति के लिए जो श्री यमुना जी को सामग्री की आवश्यकता जो है, वह उनको शुक, मयूर और हंस प्रदान करते हैं। शुक कैसे श्री यमुना जी की सेवा करता है, तो वहां पे शुक वाचिक सेवा करता है, अपनी वाणी से सेवा करता है। और वह शुक वाचिक मतलब वह शुक वाचिक सेवा का प्रतीक। जैसे कोई शुक बोले तो उसकी मीठी बड़ी बोली होती है, तो वह वाचिक मतलब वाणी से सेवा कर। फिर मयूर, मोर, तो मोर सेवा कैसे करता है, कि मोर कायिक सेवा करता है, वह कायिक सेवा का प्रतीक है। कि जब मोर नृत्य करता है तब ठाकुर जी का जो मन है वह बड़ा प्रसन्न होता है। तो मयूर अपने देह से श्री यमुना जी की सेवा कर रहा है। और हंस, तो हंस किस प्रकार से सेवा करता है, कि हंस मानसिक सेवा करता है। आपने सुना होगा कि हंस शेर और नीर को अलग अलग करता रहता है, और उसमें एक शेर का पान कर जाता है, साथ दूध का पान कर जाता है। तो इसी प्रकार से जो मानसी सेवा करते हैं, जो मानसी सेवा करने वाले जो जीव होते हैं, वह भगवत रस और संसार का यह तुच्छ रस को अलग अलग करके भगवत रस का पान कर जाते हैं। तो हंस मानसिक सेवा का प्रतीक। तो शुकमयूर हंसादिभिः प्रियाभिरिव सेविताम् अर्थात प्रिया
अर्थात सखी, जैसे कोई सखी अपनी दूसरे सखी की सहायता करती है, उसकी सेवा करती है, तो इसी प्रकार से सखी भाव, दास भाव से शुक, मयूर, हंस आदि पक्षियन श्री यमुना जी वह सामग्री प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें रस प्रकट करने के लिए चाहिए। तो प्रिया से वेदान शुक मयूर हंसादि भी तरंग भुज कंकण। अब यहाँ पे श्री यमुना जी के आदिदेविक स्वरूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि तरंग भुज कंकण, अर्थात श्री यमुना जी की जो तरंगे हैं, जो लहरें उठती हैं, वह श्री यमुना जी की भुजाएं हैं। जैसे कोई माँ अपने पुत्र को देखती है तब वह दोनों भुजाएं से अपने पुत्र को बुलाती है, तो इसी प्रकार से जब भी श्री यमुना जी कोई देवी जीव को देखते हैं तब वह अपनी भुजाओं से वह देवी जीव को बुलाते हैं। तो तरंग भुज कंकण अर्थात श्री यमुना जी की जो तरंगे हैं वह श्री यमुना जी की लहरें हैं, भुजाएं हैं। और अब आगे की पंक्ति में प्रकट मुक्ति का वालुका, अर्थात यहाँ पे आगे की पंक्ति में श्री यमुना जी की तट की जो वालु है उसके स्वरूप का आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि प्रकट मुक्ति का वालुका, अर्थात श्री यमुना जी की जो भुजाएं हैं और वह भुजाएं में श्री यमुना जी ने जो तो कंकण धारण किया हुआ है और वह कंकण में श्री यमुना जी का जो मोती है वह श्री यमुना जी की तट की चमकती हुई वालु है। वाह और कोई भी मर्यादा जीव जब श्री यमुना जी की तट की वह चमकती वालु देखता है तब वह उसे साधारण वालु ही चमकती हुई वालु उसके दर्शन होते हैं। पर कोई वैष्णव, कोई वल्लभिया वैष्णव वह वालु को दर्शन करता है तब वह यह भाव से जब वह श्री यमुना जी की कंकण की चमकती हुई जो वह मोती है वह श्री यमुना जी की चमकती हुई तट की वालु है। तो अच्छा प्रकट मुक्ति का वालु का नितंब तट सुंदरी, नितंब अर्थात श्री यमुना जी की जो तट है वह श्री यमुना जी के नितंब है। और आप जब भी श्री यमुना जी में कोई लाल कमल देखें तब आपको यह भाव रखना चाहिए कि वह श्री यमुना जी पूरी रात्रि जागे हैं और उन्हें रास के दर्शन किए हैं, तो इस कारण से श्री यमुना जी की जो नेत्र है श्री यमुना जी के वह लाल अरुण हो गए हैं, तो हमें यह भाव रखना चाहिए। तो वह जो कमल है वह श्री यमुना जी की नेत्र है। अब आगे नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रिया, तो ऐसी कृष्ण की तूर्य प्रिया को आप नमन कीजिए। यहाँ पे ये आदेश वाचक शब्द है। और अब यहाँ पे पूर्व पक्ष ने यह शंका करी, आपको पता है ना पूर्व पक्ष क्या होता है कि पूर्व पक्ष मतलब जो शंका करे जैसे मायावादी, और उत्तर पक्ष मतलब कि जो हमारे आचार्य हरिराय महाप्रभु जी, गोकुलनाथ जी, गुसाई जी जो उत्तर देते हैं। तो पूर्व पक्ष ने यह शंका करी कि श्री यमुना जी ठाकुर जी की तूर्य प्रिया कैसे हुए, क्यों है? तो वहां पे अपने आचार्य श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी प्रभु की चतुर्थ प्रिया है, और दूसरा भाव यह है कि श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी को श्री यमुना जी अति प्रिय है, इसलिए आप तूर्य प्रिया है। और यहाँ पे इसी संदर्भ में कई प्रसंगे पर मैं आपको एकादो सुनाऊंगा कि एक बार की बात है, श्री स्वामी जी प्रभु के पास पधारे और ठाकुर जी से कहा
ठाकुर प्रभु आप अब रास खेलने पधारिए, विलंब हो रहा। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है चलिए। स्वामी जी ने कहा पधारी तो सही, पर पहले आप ये अपने ईश्वरीय युक्त जो आपके आभूषण है वो आप भूमि पे नीचे पधरा दीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि अगर मैं अपने ये ईश्वरीय युक्त आभूषण भूमि पे पधरा दूंगा तो यह भूमि ऐश्वर्य युक्त हो जाएगी और यह भूमि पे जो जीव है उनको ब्रह्म बोध हो जाएगा, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे। तो मैं यह आभूषणों को नीचे नहीं पधरा सकता। तो यहाँ पे चर्चा चली रही थी, सब गोपियां भी इकट्ठा हो गई और ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने आभूषण उतार के एक गोपी को दूंगा पर वह गोपी रास नहीं खेलेगी मेरे से। तब गोपियन ने यह बात सुनकर स्वामी जी से कहा कि अगर हम रास नहीं श्री ठाकुर जी के साथ नहीं खेलेंगे, हम यह परम लाभ नहीं लेंगे तो ऐश्वर्य युक्त आभूषण का क्या मतलब है? तो यहाँ पे चर्चा चली रही थी, उतनी देर में ही गोपी जो गोपियन का मंडल था उसके बीच में से श्री यमुना जी आप पधारे और कहा हे प्रभु आप अपने ऐश्वर्य युक्त आभूषणों को मुझे पधरा दीजिए। मैं अब मुझे पधरा दीजिए। तब ठाकुर जी ने श्री यमुना जी को पधरा दिए। तो यहाँ पे यह प्रसंग से हमको यह पता चलता है कि एक तो श्री ठाकुर जी के आप तूर्य प्रिय हैं श्री यमुना जी, और दूसरा कि श्री यमुना जी में जो तत्सुखी सुखित्वम की जो भावना है कि श्री यमुना जी में यह भावना रही हुई है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ठाकुर जी को सुख प्राप्त हो, भक्तों को सुख प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो श्री यमुना जी के अंदर तत्सुखी सुखित्वम की जो भावना है रही हुई है, और ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग भी आता है कि एक बार श्री स्वामी जी और ठाकुर जी मान लीला कर रहे थे कि ठाकुर जी ने कहा स्वामी जी से एक बार आप रुसो मैं आपको मनाऊंगा और एक बार मैं रुसूंगा आप मुझे मना। तब स्वामी जी रुस गए और ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से स्वामी जी को मना लिया। अब ठाकुर जी रुस गए तो स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया पर स्वामी जी ठाकुर जी को नहीं मना पाए। फिर चंद्रावली जी को बुलाने में आया पर चंद्रावली जी भी ठाकुर जी को नहीं मना पाए। फिर चंद्रावली जी समस्त गोपियां ललिता जी के पास गए क्योंकि ललिता जी मध्यपाती हैं, और ललिता जी ने कहा कि अब हमको श्री यमुना जी के शरण में ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्री यमुना जी ही प्रभु का मान छुड़वा सकते हैं। तो समस्त गोपियां स्वामी जी ललिता जी चंद्रावली जी श्री यमुना जी के पास पधारे और विनती करी हे यमुना अब आप ही प्रभु को मना सकती हैं, आप पधारिए। तब श्री यमुना जी ने कहा ठीक है। अब श्री यमुना जी ने पूछा कि आज ठाकुर जी ने कौन से श्रृंगार धराए। तब स्वामी जी ने कहा कि आज तो प्रभु ने मुकुट काचनी के श्रृंगार धराए हैं। तो श्री यमुना जी उसी प्रकार के जो ठाकुर जी ने मुकुट काचनी के जैसे श्रृंगार धराए थे तो उसी प्रकार के श्री यमुना जी ने भी मुकुट काचनी के श्रृंगार धराए और आप श्री यमुना जी ठाकुर जी के पास पधारे। और जब श्री ठाकुर जी ने यमुना जी को देखा तब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने अपना मान छोड़ दिया। तो इसलिए श्री यमुना जी प्रभु की तूर्य प्रिया हैं। तो बस
ज्यादा ना कहते हुए हमने आज श्री यमुना जी की जो तीन प्रकार के जो स्वरूप होते हैं कि पहला आध्यात्मिक मतलब जो धर्म शास्त्रों में जो श्री यमुना जी के स्वरूप बताए गए हैं वह आध्यात्मिक स्वरूप, फिर आदि भौतिक मतलब श्री यमुना जी का जो जल है वह जो जल का जब हम दर्शन करते हैं जो स्वरूप है वह आदि भौतिक स्वरूप, और आदि दैविक मतलब यहाँ पे जो श्री आचार्य जी ने श्री यमुना जी के दर्शन करवाए वह आदि दैविक स्वरूप के हैं। तो हमने यहाँ पे श्री यमुना जी का धर्म क्या है उसके दर्शन किए और श्री यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप के दर्शन किए। तो ज्यादा ना कहते हुए अगले श्लोक पे हम अगले सत्संग में विचार करेंगे। तो बस मैं अपनी वाणी को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री यमुने महारानी की जय, शिवल्लभा की जय। श्री व्रजाधीशी लालन प्यारे की जय। हवे आप सौ वैष्णव वती पूज्य दादाश्री दामोदर लालजी महाराज श्री ने विनंती करीश कि आप श्री आशीर्वचन करी वैष्णवों ने लाभान्वित करशो। बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरन की जय, गौ माता की जय, रसिया ठाकुर की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। चिंता संता न हंतारो यत्पादाम्बुजरेन्वह स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरातिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारते मम। चिरायुष्मान प्रजाधीश जी महोदय, प्रिय लालन एवं पुष्टि मंथन सत्संग सभा में आए हुए जिज्ञासु सभी महानुभाव वैष्णव का सत्संग में आपका स्वागत है। मैं तो ये मानता हूं, प्रिय अनुभव कर रहा हूं कि श्री यमुना जी की कृपा इस ग्रीष्म काल में हम सबके ऊपर बरसी है। क्यों ना हो, ये ग्रीष्म काल जो है ना वो श्री यमुना जी का है। जितने भी हम जो ठाकुर जी के मनोरथ आदि कर रहे हैं, खसखाना के फुआरा नाव में जितने भी हो कुंजा आदि भर रहे हैं, ये सब ग्रीष्मकालीन मनोरथ जो है प्रभु को शीतलता पहुंचाने के लिए श्री यमुना महारानी की सेवा है और ये मनोरथ श्री यमुना महारानी जी के हैं। हाँ कि ना? हाँ। ये मनोरथ महारानी यमुना जी के हैं। ऐसा नहीं है कि हम झारे जी भरे तभी यमुना जी कोई रूप में पधारते हैं, क्योंकि ये सेवा महाप्रभु जी और श्री यमुना जी ठाकुर जी की करते हैं। ठाकुर जी को सुख पहुंचाते हैं, प्रभु को कैसे सुख पहुंचे ये कार्य सर्वप्रथम
जो कर किया है वो है हमारे श्री यमुना महारानी जी की। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। श्री यमुना जी दयालु हैं, कृपालु हैं, क्योंकि यमुना जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। पुष्टि भक्ति मार्ग निष्काम भक्ति का मार्ग है। यमुना जी का स्मरण करो कि ठाकुर जी का करो, पर ये कोई भी हमारे मन के अंदर लौकिक कामना का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गत सत्संग में भी आप लोगों से मैंने कहा था, और श्री यमुना जी सामने से पधारे वही श्री यमुना जी वही पुष्टि। जी भगवान के पास जाए वो तो मर्यादा, पर भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम, भक्त का अनुराग, ताप क्लेश उसको देख करके श्री यमुना जी तत्काल पधार जाती है। श्री यमुना जी पुष्टि जीवों को अलौकिक ऐश्वर्य आदि सहित भक्ति का दान करती है। अभी अभी अपन ने श्रवण किया 15-20 मिनट चिरायुष्मान प्रजापति जी के मुखारविंद से, यमुनाष्टक का तीसरा श्लोक था, तीसरे श्लोक यमुनाष्टक के तीसरे श्लोक के ऊपर अपन ने ये श्रवण किया। अब ये जो अपन ने श्रवण किया वो मूल टीका के आधार पर श्रवण किया, प्रमाण सहित श्रवण किया। यमुनाष्टक का भाव जो हमारे पुष्टि मार्ग आचार्य जैसे गुसाई जी हैं, गोकुलनाथ जी, हरिराय महाप्रभु आदि हमारे पूर्वाचार्य, उन्होंने यमुनाष्टक के जो अर्थ गठन किए हैं वही सत्य हैं। यमुना जी के स्वरूप को बताया गया। अभी गंगा दशमी आएगी, गंगा जी का है, और पुष्टि भक्ति मार्ग से यमुना जी विशेष रूप में पुष्टि जीवों के और ठाकुर जी के निकट में होती है उष्ण काल में। यमुना जी की जो भक्ति करता है, यमुना जी का स्मरण जो करता है, यमुनाष्टक के जो पाठ करता है, तो यमुना जी ऐसी ऐश्वर्य सहित भक्ति का दान देती हैं कि प्रभु को उसके पास पधारे बिना ही न जाए। यमुना जी का अलौकिक महात्म तो हमारे आचार्य चरणों ने, आचार्य श्रीयों ने ग्रंथों के अंदर हमको समझाया है, अपन समझ रहे हैं, लेकिन प्रियजनों गुण भावों को आप याद रख सको तो अति उत्तम बात है, लेकिन इतना याद रखना यमुना जी पुष्टि भक्ति मार्ग की सरेसरा भक्तिदायिनी है। प्रत्येक वैष्णव ब्रह्म संबंधी यमुनाष्टक का पाठ नित्य करता ही है, हाँ कि ना करता है? और कोई पाठ करे कि ना करे, पर यमुनाष्टक का तो अवश्य करे। लेकिन एक ध्यान रखना प्रियजनों, सबरे स्तोत्रों के छंद होते हैं और छंद की मात्राएं भी होती हैं। तो ये पृथ्वी छंद में है यमुनाष्टक, अब पृथ्वी छंद के अंदर जो है तो उस पृथ्वी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, वो पृथ्वी छंद का जो राग, उस राग के अनुसार जो आप पाठ करो तो शुद्ध पाठ हो जाए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। शास्त्र सम्यक नातः कामधेनु भवति, कि उसका शुद्ध उच्चारण हो, तो वो शुद्ध उच्चारण से क्या होगा कि वो शब्द भी कामधेनु के रूप में हो जाते हैं। यमुना जी का जो स्वरूप ही ऐसा है, और यमुना जी की ऐसी कृपा है, आज जो चित्रों में विशेष करके अपन देखते हैं यमुना जी की, चित्र मुकुट काचने के श्रृंगार और हाथ में कमल की माला, अभी भी आप जो आज दर्शन कर रहे हो इधर टीवी में कि मोबाइल में जहां भी कहीं, तो पीछे आपको श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे और हम यमुना जी के सिंहस्त में, दाहिन सिंहस्त में एक कमल की माला है। वो कमल की जो माला है वो भक्त है,
वो भक्त से यमुना जी खुद भक्तों को यमुना जी ठाकुर जी के पास ले जाती, और कमल जो प्रेम है शीतलता देने वाला है, भक्त के हृदय में रहा हुआ ताप है, विरह ताप है, उस ताप को दूर कौन करेगा, इसी यमुना जी का है। हृदय तापात्मक हो जाता है, जैसे एक नायिका एक नायक को मिलने के लिए आतुर हो जाती है, ऐसे ही भक्त रूपी जो नायक ठाकुर जी हैं, प्रभु है, भक्त जो है वो खुद वो नायिका है, और जैसे प्रभु को मिलने के लिए वो आतुर हो जाती, तो ऐसी आतुरता जब जीव के अंदर आ जाए यमुना जी की कृपा से कि नहीं अब तो मुझको उनके बिना रहा ही नहीं जाता। गुजराती में एक पद आता है, आप लोग तो रात दिन गाते हो गुजराती वैष्णव, तो माया लागी रे मुखड़ानी माया लागी, मुखड़ू जोया बिना पानी ना पीऊ, ऐसे धोलों में आता रहता है, तो वो कितनी उसकी माया लग जाती, इतना यानी प्रेम हो जाता है, माया से तो प्रेम के रूप में है, प्रभु से इतना लगाव हो जाता है, यमुना जी से इतना लगाव हो जाता है कि उनके दर्शन बिना उनके स्मरण बिना वो रही भक्त नहीं रह सकता है। तो ये यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप, यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप, यमुना जी का आधिदेविक स्वरूप, आयुष्मान लाल ने बताया जहां तट पे जाते हैं जल रूप में आदि भौतिक स्वरूप, लेकिन हृदय के अंदर हमारा आध्यात्मिक और आदि स्वरूप आदि देविक स्वरूप होना चाहिए। आज भले हम जल के भी पान करें पूजन करें घाट पर, लेकिन भावना हो कि यमुना जी जल रूप के भी दर्शन दें, महात्म रूप में भी दर्शन दें, और आदि देविक रूप में भी हमको दर्शन दें। यमुना जी ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त के हृदय में आरती को सह नहीं सकते, विशेष ज्यादा न कहते हुए गत सत्संग में हमने कहा था पर वो बात रह गई थी यमुना जी के प्रसंग की, तो आज पुनः हमारे परम आदरणीय परम आदरणीय पूजनीय हमारे ताचरण मथुरा में विराजते श्री ब्रजमलाल जी महाराज, उनके मुखारविंद से ये प्रसंग निकला था, और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि जब भी कभी ये प्रसंग कहने का मौका आए तो हमारा नाम जरूर ले, मैं आपका नाम जरूर पहले लूंगा, तो आप मुझको नहीं बताओगे तो कौन बताए। अब वो प्रसंग में ये कहा किस ग्रंथ में से लिया था कहां से आया था वो मुझे नहीं अब, लेकिन हमारे तात चरण की वाणी प्रमाण है, गलत हो ही नहीं सकती। किसी भी लीलात्मक आपने ग्रंथ में पढ़ा हो या कोई भगवती के द्वारा सुना हो, वो इतना मैं डीप में नहीं गया, लेकिन आपके मुखारविंद से जो प्रसंग अपने आप कृपा के द्वारा प्रेम के द्वारा अनुराग के द्वारा प्रकट हुए, और उस वक्त कोई ज्यादा कोई लोग भी नहीं थे, मैं तो मेन श्रोता में तो हम स्वयं थे, तो आपसे आज्ञा कर रहे थे कि देखो तुमको खबर है, लेकिन मुझे नहीं खबर यमुना जी के विषय, लेकिन तू जब भी प्रसंग के मौको याद करियो, मैं कि आपको याद पहले करी, क्योंकि बड़ों की कृपा के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता है। अब प्रसंग ऐसा है प्रियजनों, किसी यमुना जी जल रूप में कब हो गई, ध्यान से आप सुनोगे तो आपको ख्याल आएगा, श्री यमुना जी जल प्रवाह कैसे हो गई, वो पूरा अपन प्रसंग जानते हैं, पर्वत पे से कलिंदगिरी मस्त से भूतल पे पधारी, ने ऐसे ऐसे स्वरूप धारण किया जल पे आई, पर जल रूप में इसका एक प्रसंग आपसे श्रवण कराया था, लीला का ही प्रसंग है, निज लीला का निज निकुंज का, एक बार ठाकुर जी अपने कुंज में विराज रहे थे और वहां से यमुना जी पधारी और कोई नहीं था, तो यमुना जी ने सोचा कि आपकी सेवा का लाभ हमको आज मिलेगा, सुंदर सामग्री आती सिद्ध करी, प्रभु को जो जो सामग्री प्रिय थी वो सब सामग्री आपने स्वयं सिद्ध करी और प्रभु को भोग धराया,
प्रभु को श्रृंगार आदि किए, स्वयं ने भी श्रृंगार आदि किए, अनेक कृष्ण काल की जो लीला है, जल विहार आदि लीलाएं वहां हुई। अब कुछ देर बाद श्री अमना जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि ये मैं आपकी प्रभु की निकुंज में तो मैं आ गई, लेकिन यहाँ तो हमारे श्यामा जी को राज, श्री स्वामी जी का राज है। पुष्टि भक्ति मार्ग में यही है भिन्नता, यहाँ स्वामी के अधीन स्वामी नहीं, स्वामिनी के अधीन स्वामी है, और वो स्वामिनी स्वरूप हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी है, और महाप्रभु जी के अधीन श्री ठाकुर जी हैं श्री यमुना जी। क्योंकि महाप्रभु जी का जो प्रागट्य नहीं होता तो यमुना जी का महात्मा आदि भौतिक आदि देवी का अपन जान नहीं सकते। अब प्रसंग यह है कि यमुना जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अभी यमुना स्वामी जी पधारेंगे, वो घबरा गई, छुपने का प्रयास करने लगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि यमुना जी, स्वामी जी बड़े चतुर हैं, तुम कहीं भी छुपोगे वो पहचान लेंगी तुमको। तो श्री यमुना जी ठाकुर जी के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करती है, विनती करती है कि प्रभु आप ही बताओ मैं कहाँ छुपू, तुमको कोई देखे नहीं। ऐसा करो कि कुछ में जो ये भाव ये झरना जो बह रहे हो, ये जल रूप के जल में छुप जाओ, जल रूप हो जाओ। तब श्री यमुना जी जल रूप में हो गई। अब वो सामने जी पधारी, देखा कि मैंने सुने कि कोई यहाँ सखी आई है, कोई सेवा कर रही है, कौन है, कौन सखी आई है। ठाकुर जी यहाँ तो कोई सखी नहीं है, देख लो, कहीं भी दर्शन नहीं आए। फिर आप पधारी श्री चंद्रावली जी, ललिता जी, अन्य राधा सहचरी जी आदि गोपी जन, अनेक प्रकार के गोपी जन को इकट्ठा किया, कहा कि देखो आज कुछ में ऐसा हुआ, मैं दूर से देखे तो मुझको एक सखी दिखी, और मैं नजदीक गये तो सखी दिखी नहीं, अदृश्य हो गई, मैं आपको मैं पहचान नहीं सके, खाली बाकी वस्त्र कपड़ा श्रृंगार मैंने दर्शन किए, तुम ढूंढ के लाओ। समझ ने कही कि हम ढूंढ के तो लाओ, लेकिन हमारे भी मनोरथ है, मनोरथन को आप सिद्ध करो, तो विनती है हमारी, तो जीव तो विनती कर सके, नीचे छातक करी स्थिति आपकी इच्छा हो वही करो प्रभु। तो कह रहे तुम तुम्हारे मनो सिद्ध करने के लिए तुम्हारी अपनी अपनी कुंज सिद्ध करो, हम सब प्रिया प्रीतम पधारेंगे। सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार की कुंज बनाई, सात्विक भक्तों ने सात्विक, राजस ने राजस और तामस ने तामस। सात्विक थे तो उन्होंने पुष्पों की कुंज बनाई, सुगंधदार पुष्पों की कुंज बनाई, अनेक प्रकार की कलात्मक पुष्पों की कुंज बनाई, और उसमें प्रिया और प्रीतम को पधराया, तो पूरे मंगला सेशन तक की सेवा का वहां लाभ लिया। सात्विक फिर राजस, राजस जो थे वो रत्न जटित कुंजों में, हीरो माणिक की कुंजों में वहां पधरा करके प्रभु को सेवा का सुख पहुंचाया, उन्हें आनंद लिया। और तामसी जो थी वो जो गोपीजन, ये पंच धातु ताम्रा आदि जो धातु होती है रत्नों की, अनेक प्रकार के धातुओं की कुंज बनाई, उसमें ठाकुर जी को पधराया। और विशेष करके देखो प्रियजनों, ये यमुना जी का ही ये भाव, यमुना जी रूप में पधारी हैं, जल के रूप में पधारी हैं, महात्मा के रूप में पधारी हैं, आदि देवी रूप से भी पधारी है। आज भी ऐसे ऐसे अनुभव वैष्णवों को हुए हैं कि यमुना जी के साक्षात उनको दर्शन हुआ है, हुआ था नहीं, लेकिन आज भी कई पुष्टि जीव ऐसे हैं कि जिनको श्री यमुना जी कृपा करके अनुभव करा रही है यमुना। इसीलिए तो यमुना जी के प्रति पुष्टि भक्तों को विशेष श्रद्धा है, विशेष भाव है। और तो कोई पाठ करे कि ना करे, लेकिन यमुनाष्टक का पाठ तो प्रत्येक अबाल वृद्ध यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, और जब मनात्मा से जब किया जाता है तब वो पाठ किया हुआ फलीभूत हो जाता है, और फलीभूत यानी प्रभु यमुना जी का पूर्ण रूप में आदि देवी के रूप में दर्शन हो जाने।
तो यमुना जी का जो प्रवाह है वो जल रूप में हो गया। और फिर क्या हुआ कि स्वामी जी और ठाकुर जी ने यमुना जी से कहा कि इन सभी गोपी जनों ने कुंज बनाए उसमें हम पधारे, लेकिन आपने कोई मनोरथ नहीं किया, आप भी कुछ मनोरथ करो तो आपकी कुंज में भी हम प्रिया प्रीतम पधारे। तो यमुना जी ने तुरंत स्वीकार कर लिए, भले कृपा करके आप पधारो कुंज में। कोई यमुना जी के कुंज में पधारे, यमुना जी के कुंज में उष्ण काल का समय था और इतनी शीतलता वहां पर थी। और जिस दिन यमुना जी के निकट सेवा में ठाकुर जी की पधारी थी यमुना जी, वही आवरण वही वस्त्र आदि धराए, तो तत्काल सी स्वामिनी जी जान गई कि उस दिन जो थी यमुना जी थी। ललिता जी को कह दिया इशारे से कि नहीं इनको कुछ कहना मत, ये तो धोती है। यमुना जी ने कभी भी मान नहीं लिया है, वो प्रेम और भक्ति का इसलिए इनको यमुना जी को स्वरूप माना गया है। वो जरा भी यूं नहीं चाहे कि हम ऐसी कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जिससे क्षण भी प्रभु को परिश्रम न हो। हमारा तो ये कर्तव्य है कि क्षण क्षण में प्रभु को सुख पहुंचाए, और वो सुख पहुंचाने का कार्य जो है वो हमारे श्री यमुना महारानी जी करते हैं। और इसलिए तो भूतल पे पधारे, ये जितने भी पिछले हुए नित्य लीला में से ये जीव इस पृथ्वी पर आए हैं, जो जो श्री यमुना पान आदि करते हैं, यमुनाष्टक आदि करते हैं, यमुना जी का आश्रय रखते हैं, तो उनके ऊपर यमुना जी की कृपा अवश्य होती ही है। विशेष ज्यादा न कहते हुए आज तो हमारे चिराई श्रीमान लालन प्रजाधीश जी कि जिन्होंने अपने स्कलल वाणी में सुंदर विद्वत्तापूर्ण श्री यमुना जी अष्टक की टीकाओं के आधार पर, टिप्पणियों के आधार पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, आप सभी वैष्णवों ने श्रवण किया होगा। श्रवण करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रवण के बाद दूसरी क्रिया है श्रवणम स्मरणम। श्रवण के बाद स्मरण, और स्मरण रहना चाहिए। आज कई जो लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं भूल जाते हैं, भूल जाने सब को भी होता नहीं है। अलौकिक में कितना हम कुछ याद रखते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, तो ठाकुर जी संबंधी यमुना जी संबंधी कोई भी प्रसंग हम भूल कैसे जाए। यमुना जी तो मुख्य है ही हमारे जीवन में, तो प्रत्येक वैष्णव यमुनाष्टक का भाव और श्रद्धा के साथ अर्थों को समझता हुआ श्री यमुनाष्टक का पाठ करेगा तो अवश्य श्री यमुना जी की कृपा भक्ति अपन को प्राप्त होगी। तो विशेष ज्यादा न कहते हुए आज मैं अपने वाणी को श्री यमुना महारानी के चरणारविंद में समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की। श्री दामोदर लाल प्यारे की जय। श्री पुष्टिधाम हवेली द्वारा दर शनिवारे छेला घणा समय थी सत्संग थई रह्यो छे, जेमा घणा वैष्णवो नित्य सत्संग नो लाभ लई रह्या छे। आप सौ महद भाग्यशाली छो के आवा दिव्य सत्संग नो विशेष लाभ लई रह्या छो। आवता शनिवार एटले 19 तारीखे पण आप सौ आ सत्संग मां जोडाशो, अने बीजा वैष्णवोने आ सत्संग मां जोडवानो प्रयास करशो एवी नम्र अरज छे। आ सत्संग पूरो थाय एटले 9:30 कलाके श्रीजीधाम सत्संग मंडल लेस्टर यूके जे अत्यारे बेनर आपणे जोई रह्या छीए એનું આયોજન રાખેલ છે। આ સત્સંગમાં પૂજ્ય શ્રી ગોર્ધનેજી મહોદયશ્રીના વચનામૃત શ્રવણ કરવાનો લાભ પ્રાપ્ત થશે, તો આપ સૌ 9:30 કલાકે જે સત્સંગ ચાલુ થઈ રહ્યો છે તેમાં જોડાઈ જશો। વિશેષ શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલીમાં બિરાજમાન શ્રી રશિયા ઠાકોરની સેવાર્થ અને સુખાર્થ પૂજ્ય દાદાશ્રી દામોદરલાલજી મહારાજશ્રીની સર્વ અધ્યક્ષતામાં સુરતમાં શ્રી ગૌધીત ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળા કાર્યરત છે। ગૌ માતાની સેવા અને સંવર્ધન
ઘણા વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે, ગૌ સેવા કરવી એ આપણો વૈષ્ણવ ધર્મ છે, તો પ્રભુ કૃપાથી આપણને જે પણ દ્રવ્ય મળ્યું હોય તેમાંથી ગાયોની સેવા માટે સુસંપત્તિ વિનિયોગ કરાવીએ. આપની ગૌ સેવા નિત્ય ચાલુ રહે એ માટે આપ ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળાના કાયમી સભ્ય પણ બની શકો છો. ગૌ સેવા માટે મારો સંપર્ક કરી શકો છો. જયંતિભાઈ પારખિયા, ભાવેશ, ભાવેશ, હા હા, ઓ જયંતિભાઈ પારખિયાને અનમ્યુટ કરતે. હવે આપણે સત્સંગના અંત તરફ જઈએ છીએ. જયંતિભાઈ પારખિયાને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ દ્રઢિયન કરાવશે આશ્રયનું પદ. હેલો, હા જયંતિભાઈ, આશ્રયનું બોલવાનું હે ને? શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો વલ્લભના ચંદ્ર છટા બીન સબ જુગ માજુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કે સાધન વોર નહીયા કલી મે જાસુ હો તિવે સુર કાહે દ્રિવિધય અંધેરો મૂલકો ચેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કે દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન દ્રઢઈન ચરણન દ્રઢઈન ચરણન કે શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભ કુલ પરિવાર કી જય. અનમ્યુટ
Thank you.